हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं साहिल के न्यू लॉन्च में, जो कि नया लॉन्च हो रहा है बानेर एनएक्स में। अगर आप देखेंगे तो अभी हम खड़े हैं सैंपल फ्लैट टूर में, जहाँ पे है 1115 स्क्वायर फीट का। ये कितना ये है बीएचके? ये 3 BHK है, 1115 स्क्वायर फीट। ओके, सो ओवरऑल मैं अभी आपको टूर बताऊंगा 3 BHK में डायमेंशन क्या रहने वाले और ओवरऑल लुक कैसा रहने वाला है। ओके, अभी हम आ चुके हैं 3 BHK के सैंपल टूर में, जिसका कार्पेट एरिया है 1115 स्क्वायर फीट। एंट्री करते टाइम पे ही आपको लॉबी स्पेस मिलेगा 3.3 by 5.6 का, राइट? एंट्री करते टाइम पे अगर आप देखते हैं तो आपका लिविंग एरिया, दिस इज द लिविंग एरिया, लिविंग एंड डाइनिंग पोर्शन दोनों अलग अलग है। लिविंग अगर डायमेंशन देखेंगे आप तो इट्स 11 by 19.3, डाइनिंग स्पेस इज 5.3 by 6.6। तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी काफी अच्छे से मेंटेन होती है, जहाँ पे आपका डाइनिंग पोर्शन सेपरेट जाएगा और आपका लिविंग पोर्शन केवल आपके सिटआउट के लिए यूज होगा। अभी हम आ चुके हैं किचन के पोर्शन में, जिसका साइज है 10 by 6 by 8 by 6। एल शेप का किचन मिलेगा आपको, जहाँ पे आपका बेसिन आ जाएगा और यहाँ पे यूटिलिटी एरिया के हिसाब से आप आपका फ्रिज वगैरह यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके साथ में आपका ड्राई बालकनी वगैरह इंक्लूड हो रहा है, जो कि कवर्ड है। दिस इज द वॉश बालकनी, राइट? दिस इज द ड्राई बालकनी, जहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन का यूटिलिटी एरिया रहेगा। और उसके साथ में एक और बेसिन मिल रहा है आपको, जो कि ऊपर से कवर्ड रहेगा और दोनों साइड से और सामने से ओपन रहेगा। Now we have entered into a guest bedroom. Okay. Its size is 11 by 13. This is the smallest? No, this is a guest bedroom. Okay. In a whole vicinity, you will not get this size of a bedroom. Okay. Normally, guest bedroom ka size rehta 10 by 12, 11 by 11. So we are providing 11 by 13 guest bedroom, जो कि आपका right hand side रहेगा और बाकी के दो rooms आपके उस side रहेंगे। On the right hand side, there is a wardrobe setting. This is a wardrobe setting also, जहाँ पे अगर wardrobe का भी setup आप करते हैं, तो आजू-बाजू का movable space काफी अच्छा हो जाता है आपको। So there is a bed, then you can also have like a mirror setup over here, and then there is little bit of window. Right? Window. This is not a balcony. This is not a balcony. It's a window. Okay. Then इसके साथ में आपका आ जाता है वॉशरूम, जिसका साइज आ जाता है 4 by 6 by 7. And this is the washroom. अभी हम आ गए चिल्ड्रंस बेडरूम में, जिसका साइज है 10 by 12. सो सेम अगर 10 by 12 के साइज में देखोगे तो एक बेड डालने के बाद भी स्पेस काफी अच्छा बच जाता है और वॉर्डरोब लगाने के बाद भी आपका मूवेबल स्पेस काफी अच्छा हो जाता है। सेम वेंटिलेशन के विंडो काफी हाइटेड दी हुई है, तो फुल फ्लेज विंडो की वजह से आपका सनलाइट और वेंटिलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम मास्टर बेडरूम में एंट्री करा है, सो अगर आप इस एरिया It's में वेरी स्पेशियस और इस विसिनिटी में देखेंगे तो 12 बाय 15 का मास्टर बेडरूम आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, जहाँ पे अगर आपका किंग साइज भी बेड डालते हैं तो भी आपका स्पेस काफी अच्छा प्रोवाइड होता है। और सेकंड मेन एडवांटेज अगर मैं आपको यहाँ पे बताने जाऊंगा, यहाँ पे 3 BHK में आपको 2 बालकनी मिल रही है, जो कि एक लिविंग के साथ थी और मास्टर बेडरूम के साथ फिर से एक आ जा रही है। सो लेंथ वाइज भी काफी अच्छा साइज है और विड्थ वाइज भी काफी अच्छा साइज है। और हाँ, एक और चीज, ये जो बालकनीज है, ये बालकनीज ऑड इवन कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये सारी ऊपर से कवर्ड है। okay. तो आपकी प्राइवेसी काफी अच्छी से मेंटेन हो रही है, मतलब आपके ऊपर वालों का कचरा आपकी बालकनी में नहीं और मेरा कचरा नीचे वाली बालकनी में नहीं। एक और एडवांटेज देता हूँ मैं अगर आपको, अगर आपको लग रहा है कि बालकनी और रूम अगर आपको और एक्सटेंड करना है, तो एक मेरे साइड से पर्सनल सजेशन है आपको, चाहो तो आप ये ग्रिल हटा सकते हो, रूम को एक्सटेंड कर दीजिए, बालकनी का ऐसे ही रहने दीजिए। दैट इज पॉसिबल या आफ्टर पोजीशन यू कैन डू दैट। ओके, बट योर साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज ऑन दैट वे। ओके, मतलब सेम सिचुएशन आप बोल सकते हो कि 15 की जगह 18 हो जाएगा और विड्थ हो जाएगा आपका 12। एंड यू कैन सी ओवर हियर इज द वार्डरोब एंड देन विद द मैचिंग सेटअप वी हैव द बेड। मास्टर बेडरूम के साथ फिर से आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है, जिसका साइज रहेगा 8 by 3 into 4 by 6 का। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आपको हर वॉशरूम्स के ऊपर फॉल सीलिंग मिलेगा, जहाँ पे आपका गीजर का प्रोविजन फॉल सीलिंग्स के ऊपर रख सकते हो। और हाँ, एक और बेनिफिट, मोस्टली डेवलपर्स के पास आपने देखा होगा टाइल्स हाफ टाइल्स रहती है, बट यहाँ पे डेवलपर्स ने फुल टाइल्स दिया हुआ है, जहाँ पे अगर आपका खराब भी होती है तो भी आप वॉश इजिली कर सकते हैं। आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया, अभी जो अपने सैंपल टूर देखा है ना 1115 स्क्वायर फीट का, right. ये तो आपने देख लिया, बट इसके साथ एक एडवांटेज आपको बताना भूल गया, आपको पूरे घर में होम ऑटोमेशन स्विचेस मिल रहे हैं। मतलब अगर आप घर के बाहर है और गलती से अगर आपका गीजर लाइट्स वगैरह ऑन है, तो यू कैन
put it off by your apps also. Okay. And इस property का price क्या है? हाँ, ये तो main चीज़ है. घर लेने के पहले definitely आप जानना चाहेंगे कि price क्या है. So इसका price start होता है 1 crore onwards. Okay. For more details, please call me. Links, description और मेरा number. Contact number will be mentioned on the screen, so you can call them and you can get to know about their price. Yes. Do please contact for updates more and more. Thank you.